चला गया। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो गाइज, आज का ब्लॉग कुछ इस तरह का होने वाला है कि हम जा रहे हैं घूमने खजियार, मैं, राजा और के भाई, के भी ब्लॉग्स, और हम मिलेंगे उनको चौंक पे और फिर उसके बाद जाएंगे हम खजियार। और बस ये उम्मीद करता हूँ कि खजियार का रोड जो है वो पूरा खुला होना चाहिए खजियार तक, तभी हम पहुँच पाएंगे, नहीं तो हमें पैदल जाना पड़ेगा। और बस उम्मीद करो कि रोड खुला हो। और बस 5 मिनट में अभी हम निकल रहे हैं, मेरे को राज्य का फ़ोन भी आया था, वो चौक पे ही है, वेट कर रहा, मैं अभी रेडी होके आया। और ज़्यादा देर नहीं करते हैं और करते हैं वीडियो की शुरुआत, और मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में। और ये गाइस, के भाई आ चुके हैं। हेलो के भाई, तो चलो गाइस चलते हैं और मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। गाइस अभी यहाँ पे लग गया था जाम। वो गाड़ी फंस गई है, बनी हेड का बंदा, इसका कुछ पता नहीं क्या हो गया है। पीटी गुम हो गया बंदा, घबरा गया, कोई नहीं आया नया। और ये गाइस अभी हम कैजिनो ही पहुंच गया है, और ये ऊपर बर्फ दिख रही होगी आपको, यहाँ पे भी है थोड़ी थोड़ी गिरी हुई, स्टार्ट होता हुआ हमारा यहाँ पे, तो वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे बर्फ दिख रहे हैं। हाँ गेट लगा होगा, जगह का नाम गेट है, गेट है हमारे चंबा में, गेट से रहता है जोधपुर। तो गाइस अभी जो पीछे आपने देखा वो एक रास्ता जो पीछे को गया था वो गया था जोधपुर, वहाँ से आगे अगर आप क्रॉस करोगे तो नीचे कांगड़ा वाली साइड पहुँच जाओगे, और यहाँ से जो हमने यू टर्न लिया किया गया ऊपर, नीचे दुलाने का तरीका चेक दिशा गाइस, गाड़ी नीचे से साफ, और रेनबो भी बन रहा था, और यहाँ से आके जो है ये है खजियार डलहौजी वाला रास्ता, और असली जन्नत जो है यहीं से शुरू होगी। तो अब आके मैं सीधे आपको जन्नत ही दिखाता हूँ। तो गाइस अभी यहाँ पे पहुँच गए थे हम कैलाश दर्शन, ये रहा मंदिर, और यहाँ से ना आपने सुना होगा मणिमहेश कैलाश के बारे में, तो यहाँ से उसके दर्शन होते हैं जो कैलाश है ना। पर अभी तो यहाँ पे धुंध गिरी हुई है, मौसम साफ नहीं है, धुंध क्या मतलब बादल है, तो दिख नहीं रहा है। और अभी जाएंगे हम यहाँ से आगे, यहाँ से अंदर को, और ठंडी हवा चल रही है इधर। चलो गाइस, अभी यहाँ पे है फॉरेस्ट का बैरियर जो कि एंट्री फीस लेते हैं यहाँ से खजियार को जाने के लिए, और फीस इसलिए लेते हैं क्योंकि यहाँ पे ना ये रोड का काम वगैरह करवाते रहते हैं इसलिए, और यहाँ से ना अब खजियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो शुरू हो जाएगी।
खजियार हम पहुंच चुके हैं और ये रहा सामने मेरे ग्राउंड खजियार। और रुको आगे से दिखाता हूँ आपको, बर्फ पिघल गई है, इतनी बची नहीं है, बड़ी है जितनी भी है बड़ी है। हाँ वो तो बड़ी है पर जिस हिसाब की होती है ऐसी नहीं है। और ये आगे रास्ता बंद है कि क्या है? और ये देखो गाइस ये खजियार। ठीक है ठीक है भाई। तो गाइस अभी पहुंच गए हम खजियार और यहां से ये अंदर और ये मंदिर नाग देवता जी का जो है वो। और इंजॉय करते हुए राजा जी सकते हैं। हाँ। So guys, अभी हम जा रहे हैं पहले मंदिर और यहाँ पे है प्राचीन खजीनाग जी का मंदिर। तो सबसे पहले इधर माथा टेकते हैं और फिर ग्राउंड में चलते हैं। बढ़िया। तो guys, अभी हम दर्शन करके आ गए हैं और अभी आगे जाएंगे हम ग्राउंड पे। यहाँ से जाएंगे हम आगे को और घूम के आएंगे एक बार और देखते हैं। वैसे तो यहाँ पे स्कीइंग भी करवा रहे हैं, ट्यूब स्लाइड भी करवा रहे हैं पर हम तो कुछ करेंगे नहीं। यस बढ़िया जूते हैं हमारे गाइस, चेक दिस आउट। तो गाइस अभी मैं वहाँ पे फोटो खिंचवाने की जा रहा था पर यहाँ पे मेरे को डर लग रहा है। ब्लॉक के अंदर ब्लॉक गाइस, जमीन नहीं हुई, घास लगी देख नीचे, घास लगी तो सही घास ले के आना जी, घास ले के बस यहाँ दलदल है ध्यान रखना। हाँ तो मैं भी तो वही डर रहा था। चला गया। तो गाइस आपका भाई बैठ चुका है बोट पे, समझ रहे हो। अब यहाँ पे मैं फोटो खिंचवाता हूँ और वो फोटोज देख लेना आप इंस्टा पे। सो गाइस अभी हमने वहाँ पे फोटोज वगैरह ले ली, रील्स वगैरह बना ली और अभी बैठेंगे हम यहाँ पे इस टपरू के अंदर जाके थोड़ी देर। यहाँ से ना अंदर वो भी होती है मछलियाँ पर अभी पता नहीं होंगी नहीं होंगी, जमना गई हूँ फ्रोजन फिश। क्यों राज्य हो सकता है होंगी अभी शायद हो सकती है गाइस। अब हमने यहाँ पे भी रील बना ली है। तो गाइस व्हाट्स द नेक्स्ट प्लान दोस्त भाई ऐसा है कि यहाँ बढ़िया हवा चली हुई है, थोड़ा ठंड देखते हैं कहीं बैठने वाली जगह, कुछ खाते हैं चाय पीते हैं। तो चलो गाइस कुछ खाते हैं पीते हैं मतलब चाय कॉफी और चलते हैं फिर। और यार गाइस बर्फ में होती है कुछ ही फोटोग्राफी। तो गाइस चाय आ गई है, बर्फ और चाय में भी आएगी चाय अगर दोनों के ब्लॉग में। चलो पीते हैं चाय। चल बड़ा गाइस अभी मैगी भी आ गई है, केवाई नहीं खा रहे पर और मैं तो खा रहा हूं। बढ़िया मैगी, पहाड़ों की मैगी बर्फ में मजा ही कुछ और है। तो चलो खाते हैं। मैगी खाते खाते
हल्की हल्की बर्फ शुरू हो गई है। देखो ये गिर रही है बर्फ वाली मैगी, बर्फ वाली मैगी ये गिरी। देखो बर्फ गाइस, बर्फ शुरू हो चुकी है जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, और अब बर्फ के साथ साथ बारिश भी शुरू हो गई है। तो अब देखते हैं आगे का प्लान क्या बनाएं। टाइम हुआ है अभी 1:35। गाइस अभी हम आ गए हैं वापस गाड़ी में, बैठ चुके हैं और बारिश देखो कितनी हो गई शुरू। मेरा भाई पर ये देखो गाइस, स्नोफॉल एंड रेन मिक्स। तो बस गाइस अभी तो हम निकल रहे थे और निकलते हैं, बाकी मिलते हैं आपको घर जाके या बीच रास्ते में। अभी हम नीचे पहुंचने वाले हैं और सामने का मौसम है, चारों तरफ कोहरा है, सुबह देखा हमें कैसा था मौसम। अभी हम चंबा पहुंच गए हैं, मतलब पहुंचे नहीं हैं, पहुंचने वाले हैं। और यहाँ पे देखो रोड सूखा, यहाँ पे कोई बारिश ही नहीं है। और ऊपर ऊपर देख रहे होने आप, धुंध पड़ी हुई है ऊपर, मतलब सूखी बर्फ गिर रही है। और यहाँ पे सूखा, एक जगह सूखा पड़ा है, एक जगह सूखी बर्फ गिर रही है। और जहाँ से हम आए वहाँ बर्फ और बारिश दोनों हो रही थी। देखा ही आपने, कुछ नहीं था वहाँ ज्यादा पाप। मैं घर पहुंच गया हूं और आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे।